हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोगेन। दिस इज मानस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रज एंड हैप्पी देवस्नान पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। हार्दिक हार्दिक शुभकामना अभिनंदन। भगवान जगन्नाथ समस्त मंगल रखत, भल रखत। तो आज आम सिक्स सेमिस्टर टॉपिक स्टार्ट करवा जीन क्लोनिंग है। जीन क्लोनिंग तो जीन कौन है ना, ह्वाट इज जीन कौन है ना, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। कौन है ना, गोटे जीन है, कौन है गोटे डीएनए सेगमेंट जोटा कि स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है। तमान गोटे जीन को आम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेसन करवा प्रोटीन को गोटे स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार हो, बुझेगा। तो क्लोनिंग मैंने कौन है ना, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल माने प्रोड्यूसिंग एक्जाक्ट कॉपीज, जहाँ भी आम थी एक्जाक्ट कॉपी रे आम परिणत कर। जमी जे रेस कर नॉर्मल पेपर से ही बाहर प्रिंट करा कौन है, हम एक्जाक्ट कॉपी है। तो ताको कहले आम जीन क्लोनिंग कले। आसला इफ द जीन क्लोनिंग डन इन लैब, जदि आम गोटे जीन क्लोनिंग लैब्रे हुए, लैब मैंने आम पीसीआर मेथड कर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आम जीन क्लोनिंग कले, मैंने मल्टीपल एम्प्लीफाई कले, मल्टीपल कॉपी आम तैयार कले गोटे जीन को। तो आम कौन कले ना, जीन सेल फ्री जीन क्लोनिंग कहू, कौन कले ना, सेल फ्री जीन क्लोनिंग मैंने सेल रो होस्ट रो यूज किसी हेनी कहे आम सेल फ्री जीन क्लोनिंग। आसला एक और भी कौन कहपर, मॉलिक्युलर बेस्ड मॉलिक्युलर जीन क्लोनिंग बाय पीसीआर मेथड, बुझीगला। मॉलिक्युलर जीन क्लोनिंग में पीसीआर मेथड एटा कहले, इफ जोटा कि लैब्रे जो जीन क्लोनिंग होता है, आमर होची लैब्रे भी अच्छी आमर होस्ट सेल भी अच्छे। प्रीवियस क्लास बहुत थर मुझे बारंबार बारंबार रिपीट कर, इफ यूज होस्ट सेल फॉर जीन क्लोनिंग, आम होस्ट सेल जो यूज कर, होस्ट सेल कौन आमर गोटे जीन ने जीन नहीं कौन कले ना, आम इक्वल ट्रांसफर्म कले, इक्वल ट्रांसफर्म कला भेक्टर सहित ट्रांसफर्म कले। तो यहाँ कौन कले ना, सी प्रोड्यूस नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कर, नंबर ऑफ कॉपी परिणत कर। यहाँ कौन गोटे होस्ट सेल भितर है, नेचुरल अकरिंग है। तो हम कौन कले, सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग है। तो कहले सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग, बुझीगला। यहाँ कौन सेल उपर होस्ट उपर निर्भर करे, कहे आम सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग। आम पीसीआर अच्छी, तो जदि जीन क्लोनिंग पड़े आम पीसीआर भी लिखिपार, एक भी लिखिपार, टू टाइप्स लिखिपार। फास्ट एटा लिख, लंग क्वेश्चन पड़े एटा लिख, जदि सर्ट नोट जहाँ आसे तो सही अनुसार स्पेसिफिक अनुसार लिख, जो लंग क्वेश्चन आसे तो एटा भी टी लिखिदेव, से भी टी लिख है। तो देख आम आज पढ़िया, आज आज क्लास कौन पढ़ा ना, सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग है। आम कमी होस्ट सेल जीन क्लोनिंग हुए, ऑलरेडी आम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ी, क्लोनिंग फैक्टर पढ़ी है, सब पढ़ी सारी। तो आज आम करवा कौन, सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग कमी आम ऑलरेडी आम पढ़ी सारी, खाली आम डिस्कशन करा। देख व्हाई जीन क्लोनिंग, कहीं आम गोटे जीन क्लोनिंग करवा, एटा भी अलरेडी डिस्कसन होट आम गोटे डायबिटिस, आम जो प्रोटीन आम इनसुलिन प्रोड्यूस करती, डायबिटिस पेसेंट पर इनसुलिन दि जाए। तो जो इनसुलिन आसे कौटू ना, इनसुलिनटा आम गोटे स्पेसीफिक कौन है ना, स्पेसीफिक डीएनए से इनसुलिन प्रोटीन को कौन करता है, कोड करता है। तो आम प्रोटीन यादि आम मल्टीपल नंबर अफ कपिज परिणत करदे, से पर्टिकुला डीएनए को, पर्टिकुला डीएनए सेगमेंट को आम मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी परिणत करदे, तो सेठ आम मल्टीपल बहुत सारा आम प्रोटीन पाइपर। तो देख, टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेसेंट बिकज दे आर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। जदि आमर गोटे बॉडी डे इंसुलिन प्रोड्यूस कर पारुनी, इंसुलिन कौन दरकार, गोटे फास्ट चिंता कर, इंसुलिन बॉडी रे कौन दरकार। आम इंसुलिन जो आम सुगार अच्छी सी कौन करे ना, आम कौन सुगार भी सेल दरकार, तो सेल भितर को जीवाई सुगार आम इनसुलिन कौन करता ना, काम करता है। इनसुलिन सेल भितर को सुगार नहीं था, एज कौन होता है ना, आम सेल भितर को सुगार टाक एंट्री कराई था। तो बुझीगला, तो जदि इनसुलिन प्रेजेंट रोज तेज सेल भितर को आम सुगार गलानी ग्लुकोज गलानी, तो ग्लुकोज जीवन मैंने कौन अलरेडी ब्लड रोज, तो ब्लड में कौन बढ़ला, आम सुगार लेवल बढ़ चला, सुगार लेवल बढ़ चला मैंने डायबिटीस है। तापर डॉक्टर मना कहते आपको खाइबनी, ताको खाइबनी, टिके खाले ये हम सी हम गुड़ा प्रॉब्लम हे। तो यहाँ कौन कले ना, आम देख कहला नो इनसुलिन, इनसुलिन नहीं कौन हो ग्लुकोज नॉट एब्जॉर्ब बाय द सेल, सो ग्लुकोज लेवल इनक्रीजेस, बुझेगा। तो जीन क्लोनिंग कौन ना, गोटे पार्ट रे आम नंबर ऑफ कॉपी रे आम परिणत कर पारे। तापर आसला स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग है। तो आज हम जल्दी ही मैंने ट्राए कर जल्दी जल्दी सारापी कहला स्टेप्स ऑफ, फास्ट स्टेप्स कौन कला, देख स्टेप वन कहला आइसोलेट जीनोम, कौन कले ना आम जीनोम को आइसोलेट करा, कौ जीनोम को ना, आम डिजायर जीनोम, मैंने आम जो इनसुलिन एग्जाम नहीं, तो इनसुलिन जीनोम को आम मैंने
आइसोलेट करिया फास्ट इंसुलिन जीनोम को बाहर करिया तो इंसुलिन को आमे फाइंड करिया न्यूक्लियस आम जीन टोटल जीन को फाइंड कले कि न्यूक्लियस फाइंड कले तो ता भीतर आमे डीएनए एतिक डीएनए सेगमेंट कोन अछि ना जोटा कि इंसुलिन को कोड करछि तो ताको हम कोन करिया ना एटा हम आज हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट जोटा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए अछि तो ताको हम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इनक्यूबेट कले तानो टेस्ट ट्यूब नेले गोटे टेस्ट ट्यूब नहीं तरह कौन करदे ना आम टोटाल जीनटा तरह पकईदे पकईदे तरह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पकईदे इनक्यूबेट कला कौन हम ना तो डीएनए अलरेडी सर्ट सर्ट फ्रगमेंट होट सर्ट फ्रगमेंट हो तो जो फ्रगमेंट हो गला डिफरेन्ट डिफरेन्ट फ्रगमेंट है ता भर कौन अच्छे आम हो जीन ऑफ इंटरेस्ट तरह मिल जाए किसी भी पर्टिकुला पार्ट अच्छे कि गोटे दुईटा जहाँ कहो आम जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलगला तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलला पार्ट सेकेंड स्टेपटा कौन अच्छे देख स्टेप टू है भेक्टर आम सिलेक्ट करा कौन सिलेक्ट करें ना स्टेप टू सिलेक्ट द वेक्टर मॉलिक्यूल वेक्टर सिलेक्ट करें वेक्टर माने कौन आम करते वेक्टर कैरी द डिजायर्ड डीएनए टू द होस्ट सेल कौन कल ना वेक्टर होस्ट सेल को गोटे डिजायर्ड डीएनए को कैरी करी नहीं था जहाद्वारा कि नंबर ऑफ कॉपी रे परिणत कर पड़ता है तो कौन है ना वेक्टर कैरी द डिजायर्ड डीएनए टू द होस्ट सेल बुझेगा तो यहाँ है वेक्टर है डिफरेन्ट डिफरेन्ट वेक्टर पड़ते प्लाज्मिड कॉस्मिड फेजमिड सब डिफरेन्ट डिफरेन्ट वेक्टर सब पड़ते एम थर्टीन फेज आउ सब आम सटल वेक्टर इक्वालिटी वेक्टर बैक क्या ये सब पड़ता तो यहाँ है कौन है ना गोटे वेक्टर लेट आम गोटे वेक्टर ना इक्वार वन है इक्वार वन वेक्टर ना तो या सॉरी एटा होची रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो एको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करे तो हम वेक्टर नेले तो वेक्टर नेला परे तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टी कोन हला ना इक्वायर ने लेट इक्वायर ने यूज करले एटा एठी हम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा यूज करिया जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा हम प्रीवियसली यूज करथले प्रीवियसली कोन यूज करथले देखो एई जो हम एई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टा यूज करथले तो एठी जहां भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करथवा हिंड हिंड 2 इको आर वन बाम एच वन बाम एच टू जहाँ भी आम यूज कर तो ये आम सेम यूज करवा है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करवा कहीं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं यूज करवा तो आम जो डीएनए फ्रैगमेंट रहा ये कौन करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम गोटे पर्टिकुलर बेस पेयर को कट करता है पर्टिकुलर बेस पेयर जदि ये अच्छी ए टी सी जी अच्छी ए टी सी जी अच्छी तो ये कौन करे ना तले भी कौन है ना जी ए सॉरी टी ए जी सी रहा तो एटा एटी कट कला यहाँ लेट आमर हो गोटे एंजाइम इक्वायर वन एटी कट कला लेट एटी इक्वायर वन कट कला माने ए पाखर कट कला एटी सी पाखर कट कला तो एटी जदि सेम जगह कट कर तो कौन करा एटी देख बर्तमान जो ए बर्तमान जी रहा ए जी रहा ए पाखर टी सी रहा जदि एटी सेम कट कर तो ये टी सी यार अपोजिट कौन है टी सी अपोजिट कौन एजी है तो ये एजी थी यार अपोजिट एपटे होची एजी थी ये अच्छे टी सी थी गोटे बाहर एजी थी तो अपोजिट्रे कौन रिकमेंड कर तो सेम एंजाइम द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा एटा काम है तो आम कौन कले ना कट कले इनक्यूबेट फोन करदे लाइक एज एंजाइम देक इनक्यूबेट करदे टोटाल आम कौन कले ना एटा यादव पूरेदे फैक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सहित कट कर पूरे देर टाइम पूरे देर सारा कौन है गोटे टेस्ट इनक्यूबेट कले इनक्यूबेट कलापे रिकम्बिनेंट डीएनए आम मिलगला रिकम्बिनेंट डीएनए मैंने गोटे हूँ रिकम्बाइन होकर आम गोटे डीएनए आसगला यहाँ कहला रिकम्बिनेंट डीएनए बुझेगा तापर देख स्टेप थ्री देख माइक टीए जो प्रोब्लम हो तो इग्नोर कर तो स्टेप थ्री कौन है ना ट्रांसफर्म इनटू होस्ट सेल होस्ट सेल को आम कमी ट्रांसफर्म करवा डीएनए जो आम रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए रहा ताको आम केमती होस्ट सेल को आम ट्रांसफर्म करा देखो आम कौन कले ट्रांसफर्मेशन कले केमती आम ट्रांसफर्मेशन देखो करवा तो आम गोटे ट्रांसफर्म करेंगे कंपिटेंट इक्वली दरकार कंपिटेंट इक्वली दरकार मैं जोटा कि ट्रांसफर्म कराई पार्थ्यो नेचुराली आम ट्रांसफर्म कर पार्थ्य नेचुराल प्रोसेस है ट्रांसफर्म करा नेचुराल प्रोसेस ना कि आम आर्टिफिशियल एंट्री करवा तापर सी एस सी एल टू दिहला हिट सक ट्रिटमेंट दिहला हिट सक ट्रिटमेंट हिट सक ट्रिटमेंट कौन है ना कि सब मिक्स कर सारापर गोटे बैटरी प्लेट सब मिक्स कर सारापर आम टेम्परेचर इनक्रीज करदे टेम्परेचर इनक्रीज कला कौन हम ना द वेक्टर ट्रांसफर इनटू वेक्टर हिट सक देलापर गोटे जो वेक्टरटा रहा गोटे वेक्टर हो ट्रांसपोर्ट हो तो आम एटी जो वेक्टर यूज कले से वेक्टर कौन कौन आम रहा दरकार इंपोर्टेंस रहा दरकार देख वेक्टर सेफ कैपेसिटी ऑफ सेफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग गोटे वेक्टरटा सेल्फ रेप्लिकेशन कर पार्थ माने से निजो निजो मल्टीपल कॉपीज परिणत कर पार्थ जो वेक्टर एतिक कैपेसिटी रहा दरकार वेक्टर सिलेक्टिव अन्य सब वेक्टर आम पढ़ुंत कौन कौन रहा दरकार तो वेक्टर सिलेक्टिव मार्कर रहा दरकार सिलेक्टिव मार्कर है मार्कर जीन है तो सिलेक्टिव मार्कर कौन है ना गोटे रेजिस्टेंस जीन है
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है लैक जेड सिलेक्शन मार्कर है यू कौन है ना गोटे रेजिस्टेंस जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है यू सब फैक्टर आम रहा दरकार तो मेन ये दुटा रहा दरकार अन्य आम डिस्कसन करते तो देख स्टेप फोर कौन है ना अलरेडी सेल्फ रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन है तो देख आम एप्लिकेशन है एप्लिकेशन होगी नंबर ऑफ कॉपी आम परिणत होगा यहाँ कौटी ग्रो है ना अगर प्लेट रे ग्रो है पेटी प्लेस अगर प्लेट नहीं है ता ग्रो कला अगर प्लेट रू न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स अपटेक कला न्यूट्रिएंट्स अपटेक करके कौन है ना वंश विस्तार कला नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपी रे सी होची परिणत करदेला कला बैक्टीरिया यूज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अगर प्लेट टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा से यूज कला तो आम देखा कि समय देखा जो पेट्री प्लेट्स कलोनी कलोनी हो जो ब्लू कलर ब्लू व्हाइट कलोनी सब आम डिफरेंट डिफरेन्ट कलोनी आम मिल जा तो कलोनी देख आम देख आउट कथा देख आमर जो रहा आम प्रिवियसली कौन कहते आमर से जो भेक्टर रहा से भेक्टर कौन रही दरकार ना गोटे मार्कर जीन रहा दरकार है सिलेक्टेबल मार्कर रहा दरकार मानने रेजिस्टेंस जीन रहा दरकार मानने आमर अगर प्लेट रे कौन नहीं एंटीबायोटिक नहीं तो जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भेक्टर जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस न था ये एंटीबायोटिक तो किल कर दे था लेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है एम्पिसिलिन है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है तो जो एम्पिसिलिन रहा जदि आम से जो रहा से एम्पिसिलिन आम रेजिस्टेंस न थो तो ये एम्पिसिलिन क्लिक किल करद तो आम कौन है ना तो से जो आम से भेक्टोरटा किल है कहीं रेजिस्टेंस अच्छी बुझी तो भेक्टर्स हे द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कला लेट आम एक्जाम्पल एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ने तो भेक्टर्स प्रोड्यूस एम्पिसिलिन प्रोटीन सो दैट दे ग्रो इन अगर प्लेट एंटीबायोटिक मीडियम है जो भेक्टर रहा सी किसी आम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोड करते जहाद्वारा कि सी भी प्रोटीन प्रोड्यूस कर जहाद्वारा कौन है ना यहाँ हूँ एंटीबायोटिक मीडियम जो देते अगर रहा कौन है एंटीबायोटिक मीडियम देते ताद्वारा आम बैक्टेरिया जो आम भेक्टरटा हाँ किल हो डिग्रेड हम ना आउ गए रहा आम लेक जेड कहीं दि जाए पढ़ी लेक जेड जदि आम एट गोटे रहा सर्कुलर डीएनए रहा भेक्टर रहा तो भेक्टर गोटे जगार गोटे पार्ट अच्छे लेक जेड अच्छे लेक जेड कौन है ना आम हूँ बीटा गैलेक्टोसाइटेज को कोड करता है लेक जेड आम हूँ पढ़ी आम इक्वली आम पढ़ते हूँ कौन ऑपरेंट कंसेंट पढ़ते हैं लैक ऑपरेंट पढ़ते तो लैक ऑपरेंट कौन है ना लैक जेड जो रहा बीटा गैलेक्टोसाइटेज से कोड करता तो बीटा गैलेक्टोसाइटेज लैक जेड कौन करता ना जो लैक्टेज को भांगी कौन करता ग्लुकोज परिणत करता है कौन करता है ना जो लैक्टेज को भांगिक आम कौन करता है ना ग्लुकोज को कन्वर्ट करता है किए ना लैक जेड तो जदि आम सेल ग्लुकोज आम सेल इक्वली सेल जब ग्लुकोज लेवल कमी है जब इक्वली सेल ग्लुकोज लेवल कमीगला तो सही आम लैक जेड कौन करना लैक्टेज को भांगी ग्लुकोज कन्वर्ट करद ग्लुकोज द्वारा बॉडी तार काम फंक्शन कला तो यहाँ है लैक जेड काम होगा तो लैक जेड सिलेक्शन मार्क रहा दरकार कहीं गोटे ने एक्स गाल ना है एक्स गाल कौन है ना बीटा गैलेक्टोसाइटेज इंडिकेटर माने बीटा गैलेक्टोसाइटेज बीटा गैलेक्टोसाइटेज को इंडिकेट करदी आम फॉरेन डीएनएटा बीटा गैलेक्टोसाइटेज लैक जेड जगार इनसर्ट होने आमको से जो कलोनी आम कहते कलोनी शो कला व्हाइट कलर शो करदी आम लैक जेड इनसर्ट होदी टोटाल इनसर्ट हो नंबा लैक जेड छड़ा आउ जो जगार इनसर्ट होम कौन शो कला ना ब्लू कलोनी शो कला बुझीगला तो ब्लू कलर आम जापरले कौटा आमर कौन अच्छी ना जो कौटा आम क्लोन्ड होटा आम क्लोन्ड है बुझीगला आम जापरले कलोनटा आम क्लोन होटा क्लोन आम ना फर्दर प्रोसेसिंग करके आम अलरेडी आम इन्सुलिन प्रोड्यूस करदे बुझीगला तो यहाँ है कौन है आम जीन क्लोनिंग है पढ़ले सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग हूँ सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग पढ़ले सेल बेस्ड बा सेल मेडिएटेड जीन क्लोनिंग पड़े नेक्स्ट आम कौन पड़े ना पीसीआर मेथड बा लैब रे केमती आम जीन क्लोनिंग होता है ठीक अच्छे जो मैंने लाइक सेयार सब्सक्राइब कर लाइक सेयार सब्सक्राइब करदेव सांगे पहुँचे दब ट्राए करवा कि आम सब मानने मैक्सीम कभर करने सिलेक्शन क्वेश्चन अलरेडी आसीज आ भिडियोटा केमती लगे सियोर कमेंट जनइब है थैंक यू।